यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा बेटा, कल भी हमने कैमरे में बंद अपाहिज कविता के बारे में पढ़ा था और आज फिर हम उसी कविता के बारे में पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले कैमरे में बंद अपाहिज कविता के जो कवि हैं रघुवीर सराय, इनके बारे में हम कुछ जानते हैं। और आपके सामने स्क्रीन पर देखिए सब कुछ दिया हुआ है, रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय। अब मैं इसी में से कुछ क्वेश्चंस आपसे करूंगी और आप उसका आंसर देंगे। ओके, रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के बहुत ही संवेदनशील कवि हैं। दूसरों का दुख देखकर इनको एकदम से अपने अंदर उसके दुख के प्रति भावनाएं जागृत होती हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? अहान, बताइए इनका जन्म कहाँ हुआ? अहान, लखनऊ। पूरा आंसर दीजिए बेटा। इनका जन्म लखनऊ में सन 1929 में हुआ था। इसको हम हिंदी में भी तो बोलना जान सकते हैं, 1929 में हुआ था, 29। इनकी संपूर्ण शिक्षा कहाँ हुई? कृष्णा आप बताओ। लखनऊ में। वेरी गुड, अपनी वीडियो भी ऑन कर लो तो और भी वेरी गुड होगा ना, फिर तो एक्सीलेंट होगा। शाबाश, गुड। वहीं से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने लिटरेचर में एमए किया और ये शुरू से इनका काम क्या था, ये पत्रकार थे पेशा, इनका जो काम था। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम किया था। फिर क्या हुआ, फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। फिर कुछ समय के बाद इन्होंने क्या किया, हैदराबाद से निकलने वाली जो पत्रिका कल्पना, ये पत्रिका का नाम याद रखिए, पत्रिका कल्पना, और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से ये संबंधित रहे, उनके साथ में जुड़े रहे। साहित्य सेवा के कारण इनको अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य सेवा के कारण इनको कौन सा पुरस्कार मिला? यस काव्या, साहित्य सेवा के कारण इनको कौन सा पुरस्कार मिला? काव्या बोलो बेटा। साहित्य सेवा के कारण रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार मिला? मैम साहित्य अकेडमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी, अकेडमी बेटा हम इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में अकादमी पुरस्कार मिला, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहावसान, देहावसान मतलब मृत्यु, कब हुई? 1990 में दिल्ली में हुई। अब देखिए ये हमने थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा, तो आगे बढ़ते हैं। इनकी रचनाएं, रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। इनकी कुछ आरंभिक कविताएं अज्ञेय के द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1935 में प्रकाशित हुई थी। और इनके महत्वपूर्ण जो काव्य संकलन है, ये सीढ़ियों पर धूप में, एक दो आपको याद होने चाहिए, आत्महत्या के विरोध, फिर है हंसो हंसो जल्दी हंसी, लोग भूल गए हैं, ये इनके काव्य संग्रह हैं। और इनके काव्य की क्या विशेषताएं हैं कि इन्होंने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी का दुख व्यक्त किया, जैसा कि हमें इस पाठ के नाम से ही पता लग जाता है कि कैमरे में बंद अपाहिज, जो एक स्टूडियो में कैमरे में बंद एक अपाहिज है, उसकी क्या दशा है, उसका वर्णन किया गया है। और इन्होंने सड़क चौराहा दफ्तर अखबार संसद बस रेल बाजार की बेलौस भाषा में कविता लिखी है, एक साधारण भाषा में कविता लिखी है कि घर मोहल्ले बाहर जो भी कोई उस कविता को सुने पढ़े उनको आसानी से समझ में आ जाए, किसी भी प्रकार के कठिन शब्द उसमें इन्वॉल्व नहीं किए, उसमें शामिल नहीं किए। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर उन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया
और क्या किया, हत्या, लूटपाट, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म, मतलब किसी से ये धोखा करना, इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनी खेत रपटे नहीं रह जाते। और उन्होंने क्या किया, आत्म अन्वेषण के माध्यम ये बन जाते हैं। इन्होंने कविता को एक कहानीपन, एक नाटकीय रूप दिया। रघुवीर सहाय ने बतौर पत्रकार कवि घटनाओं में जो भी विडंबना और त्रासदी को देखा, उन्होंने उन्होंने छोटे की महत्ता को स्वीकार किया कि छोटी चीज का भी, छोटे आदमी का कोई छोटा नहीं होता, कोई काम भी छोटा नहीं होता, कोई व्यक्ति भी छोटा नहीं होता, उसकी इम्पोर्टेंस को, महत्व को स्वीकार किया और उन लोगों के अनुभव और अनुभवों को अपनी जो भी कविताएं लिखी, जो भी रचनाएं हैं उनमें स्थान दिया। जिन लोगों को समाज हाशिए पर रख देता है, हाशिया होता है जो आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हो अपनी नोटबुक में, अपनी आंसर शीट में, वो हाशिए पर आप रफ वर्क करते हो, तो उसे कहा जाता है कि जिन लोगों को हाशिए पर रखा जाता है, जिन लोगों को कोई नहीं पूछता समाज में, उनको भी इन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। इन्होंने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है, मतलब उन लोगों की ओर इन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है, लोगों का भी ध्यान उस ओर आकृष्ट कराया है कि जिन लोगों को कुछ भी इम्पोर्टेंस, कुछ भी महत्व नहीं दिया जाता समाज में, जिनको एक तरफ रख दिया जाता है, जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उन लोगों को इन्होंने अपनी रचनाओं में महत्व दिया है। और बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, दूसरे के दुख को देखकर एकदम से इनके अंदर दुख के प्रति भावनाएं जागृत हो जाती हैं। यस, कैमरे में बंद अपाहिज कविता, जो अभी मैंने इनकी रचनाएं बताई हैं, लोग भूल गए काव्य संग्रह में से दी गई है, ये भी आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है। इस कविता में कवि ने क्या कहा है, कवि कौन है इनके, अभी मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखा हुआ स्क्रीन पर, आप बताइए। यस जसजोत, कवि कौन है कैमरे में बंद अपाहिज के, ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जसजोत बेटा एक बार में उत्तर दिया करो, आप बड़े बच्चे हो। यस जसजोत, आप सुन रही हो? नो, कृष्णा? रघुवीर सहाय। वेरी गुड कृष्णा, कीप इट अप, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, सो प्लीज टेक क्लासेस, ज्वाइन क्लासेस, ठीक है, अपनी क्लासेस ज्वाइन करो, अपना करियर बर्बाद मत करो। घर में बैठे हैं तो घर में बैठे तो और भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जैसा कि कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरा एक स्टूडियो में बंद, कैमरा जो हमारे हाथ में है वो कैमरा नहीं, एक स्टूडियो में बंद अपाहिज के बारे में बताया गया इस कविता में। कवि ने शारीरिक चुनौती, फिजिकल चैलेंज को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ क्या बताया, दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। जो दूर संचार माध्यम, जो दूर संचार के, टीवी के, टेलीविजन के, दूर संचार माध्यम के संचालक हैं, उनकी क्या मेंटेलिटी है, उनकी क्या मानसिकता है, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है कि किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक, ऑडियंस तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति खुद संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए, खुद भी संवेदनशील होना चाहिए। मैं संवेदनशील वर्ड यूज कर रही हूँ, जिसमें इमोशंस हो, किसी की इमोशंस को समझने की ताकत हो। संवेदनहीन होता है जो किसी की इमोशंस को, किसी के दुख को, दर्द को ना समझे। लेकिन आज विडंबना ये है, आज दुख ये है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है, जब किसी के दुख को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की जाती है, तो क्या किया जाता है, तो व्यापार के दबाव से, कारोबार के दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता अपना रवैया बदल लेते हैं, वो खुद संवेदनहीन बन जाते हैं, संवेदनशील नहीं होते, संवेदनहीन बन जाते हैं, जबकि उस अपाहिज के प्रति तो संवेदनशील होना चाहिए।
ये कविता टेलीविजन स्टूडियो के अंदर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट कर रही है, साथ ही उन सभी व्यक्तियों की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द कष्ट वेदना दुख आदि को बेचना चाहते हैं। दर्द किसी का है लेकिन वो किसी को बेच रहे हैं, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। अपना पैसा कमाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, आज के माहौल में तो खास तौर से। कोई किसी को किसी के दुख दर्द से कुछ भी लेना देना नहीं है, जो कि आप भी देखते हो समाज में। लेकिन ये कविता हमें क्या सिखाती है? हमें सिखाती है कि दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए। हमें हर जगह से पॉजिटिव चीज, सकारात्मक चीजें, सकारात्मक भावनाएं, सकारात्मक शब्द विचार ग्रहण करने चाहिए, और जो नकारात्मक भावनाएं हैं, नकारात्मक शब्द हैं, नकारात्मक विचार हैं, उनको त्याग देना चाहिए। अब इस कविता का सार क्या है देखिए, आपको सार भी लिखने के लिए आ जाते हैं, और कविता छोटी सी है, इसका सार आपको पता है तो आप क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस कविता में, कौन सी कविता में, कविता का नाम क्या है? यह अहान कविता का नाम क्या है? जल्दी बोलो बेटा। कैमरे में बंद अपाहिज। वेरी गुड, कैमरे में बंद अपाहिज। यह उज्जवल, उज्जवल इस कविता के रचयिता कौन है? उज्जवल जल्दी बोलो बेटा, इस कविता के रचयिता कौन है, कवि कौन है? यस, जसजोत आप बोलो। मैं पूछ रही हूँ इस कविता के कवि कौन है, लेखक कौन है, रचयिता कौन है? Who can tell me? Hand raise करिए। Yes, कृष्णा बोलो बेटा। Good। रघुवीर साईं। रघुवीर साईं। होगा अगर एक प्रश्न को दोबारा पूछ लिया तो बेटा क्यों घबरा जाते हो, क्यों ऐसा हो जाते हो कि ना हमें नहीं आता? जितना बोलोगे, जितना पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, उतना ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस कविता में दूरदर्शन के संचालक खुद को शक्तिशाली बताते हैं और क्या करते हैं, दूसरों को कमजोर मानते हैं। जो सामने वाला व्यक्ति उसको कमजोर मान रहे हैं, जिसका साक्षात्कार ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, वो एक विकलांग से पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? फिर क्या पूछते हैं, आप अपाहिज क्यों हैं? देखो कितना बेतुका प्रश्न किया। फिर आपको इससे क्या दुख होता है? क्या अगर हम एक अपाहिज को देख रहे हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये अपाहिज है, और ये अपाहिज है तो इसको क्या दुख होगा? ऊपर से उसे क्या कहते हैं कि वो अपना दुख जल्दी जल्दी बताए? क्यों? क्योंकि समय नहीं है। जितना समय उसको मिला है टीवी पर अपना कार्यक्रम दिखाने के लिए, उतना ही तो समय वो लगाएगा। और प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों के उत्तर क्या अपने हिसाब से चाहता है, वो दूसरे के दुख से कुछ भी लेना देना नहीं है। जब ऐसे प्रश्न किए जाते हैं तो वो विकलांग जो है वो घबरा जाता है, और प्रश्नकर्ता, प्रश्न करने वाला जो दूरदर्शन का संचालक है, अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या करता है, उस अपंग को रुलाने की कोशिश करता है। उसको रुलाने की कोशिश के साथ साथ जो दर्शक है उनको भी रुलाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि अगर ये अपाहिज रो पड़े और इसके साथ में दर्शक रो पड़े तो मेरा कार्यक्रम सफल हो जाएगा। आप भी कई बार पिक्चर देखते हो, बहुत ही ज्यादा इमोशनल पिक्चर होती है तो क्या होता है उसमें, जैसे कोई भी करेक्टर है वो अगर रोया और आप उससे पहले आप रोने वाले हो जाते हो तो इससे क्या होगा, उसका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। और ऐसी पिक्चर को, ऐसे कार्यक्रम को, ऐसे सीन को हम क्या करेंगे, बार बार देखना चाहेंगे। वाकई में जो कार्यक्रम का संचालक है उसको अपाहिज के दुख दर्द से कुछ भी नहीं लेना देना, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, अपने कार्यक्रम को सफल बनाना चाहता है,
अब उसी उद्देश्य से और उसी उद्देश्य को देखते हुए वो अपना अपाहिज से प्रश्न करता है। यहाँ देखिए अब फर्स्ट इसका पद्यांश, निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपके पास स्क्रीन में सब कुछ है, आपके पास अगर बुक भी नहीं है तो आप ले लीजिए बेटा बुक, अब बहुत समय हो गया है, मार्केट में बुक है, ऐसा नहीं है कि बुक नहीं है, कोई नई आई है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है, तो आप क्यों अपाहिज हैं? देखो कैसे बेतुके प्रश्न। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम कौन है यहाँ पर, हम यहाँ पर शक्तिशाली दूरदर्शन के संचालक हैं, और वो दूरदर्शन पर बोलेंगे शक्तिवान शक्तिशाली, और क्या करेंगे, अपने सामने एक दुर्बल कमजोर व्यक्ति को लाएंगे बंद कमरे में स्टूडियो में, जहां पर उसका साक्षात्कार होगा, उसका इंटरव्यू होगा, और उससे क्या पूछेंगे कि आप क्या अपाहिज हैं? वो अपाहिज हैं, ऑलरेडी अपाहिज को लेकर आए हैं और उससे ये प्रश्न किया जा रहा है, आप क्या अपाहिज हैं? फिर उससे पूछेंगे आप क्यों अपाहिज हैं? अब देखो ये दोनों प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जहां पर भी कविता में बेटा प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर प्रश्न अलंकार होता है। ये तो आपको अपने दिमाग में एकदम से बना के रखना है, जब भी काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आए तो आप ये चीज जो सामने ही हमें पता है, जिसके लिए कुछ सोचने समझने की भी जरूरत नहीं है, उसको क्यों हम छोड़ें? कहते हैं कि इस कविता में कवि रघुवीर सहाय ने मीडिया की संवेदनहीनता का वर्णन किया, संवेदनहीनता कह रही हूं मैं, कुछ बच्चे समझते नहीं है कि क्या बोला जा रहा है, संवेदनशीलता और हीनता दोनों अपोजिट है, दोनों उल्टे हैं। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। ये तो बात सच है, आप अब भी टीवी पर देखते होंगे कि किसी के साथ में कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी कितनी भी बड़ी घटना घट जाए और मीडिया वाले उसको कैसे खींच खींच कर पूछेंगे, भले ही वो मनुष्य उत्तर ना दे पाए, वो किस लिए, उनको कोई दुख दर्द नहीं, उनको सिर्फ अपना पैसा कमाना है, अपना उद्देश्य सफल करना है। यहां पर एक बंद कमरे में स्टूडियो में कमजोर व्यक्ति को वो बुलाएंगे, उससे प्रश्न पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं, यदि हैं तो क्यों हैं। फिर अगले पैराग्राफ में देखिए पद्यांश में क्या कहते हैं कि आपका अपाहिजपन कहते हैं कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। ये बात बेटा कोई पूछने की नहीं है कि जो एक इंसान अपाहिज है तो उसको दुख होगा, ऑब्वियसली उसको दुख होगा, वास्तव में उसको दुख होगा, क्यों नहीं होगा उसको दुख? और ये अगर हम उससे पूछ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसके दुख को हम और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, देता होगा, मतलब हमेशा के लिए पूछ रहे हैं, ये तो हमें अपनी समझ से देखना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति सामने वाला अपाहिज है तो क्या उसको दुख नहीं होगा। मैं अगर उससे बार बार ये प्रश्न पूछ रही हूं कि आप अपाहिज हैं, क्यों है अपाहिज, तो उसका दुख और भी बढ़ता जाएगा। फिर मैं पूछती हूँ आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, वो तो देता होगा उसका दुख, तो कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब कैमरामैन को एकदम से निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इसको बड़ा बड़ा करके दिखाओ, जिससे कि दर्शक इसको अच्छे तरीके से देखें, इसके दुख को अच्छे तरीके से देखें।
हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अब देखो अपाहिज से बोला तक नहीं जा रहा, क्यों? वो उनके प्रश्नों का उत्तर दे ही नहीं पा रहा है, फिर उसको जबरदस्ती कहते हैं हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, और जल्दी जल्दी से सारे प्रश्न करते हैं, उसको सोचने का अवसर भी नहीं दे रहे, जल्दी बताइए वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब उससे फिर कहते हैं जल्दी बताइए, क्यों? क्योंकि उनका तो समय बीत रहा है, दूरदर्शन के संचालक का समय निश्चित है, एक लिमिटेड समय है कि उसको आधे घंटे के अंदर अपना कार्यक्रम दिखाना है, और अगर वो उसी आधे घंटे के अंदर अपना कार्यक्रम अच्छे तरीके से दिखाएंगे तो क्या होगा, तब तो वो सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, फिर उसको कह रहे जल्दी बताइए वो दुख बताइए, लेकिन वो बेचारा बता नहीं पाएगा। वो क्यों नहीं बता पाएगा, कोई मुझे बता देगा आप में से? यस कृष्णा, वो अपाहिज क्यों नहीं दुख बता पाएगा? मान लो अगर मेरे साथ ही ऐसा हो, हम हर चीज को अपने ऊपर लेकर देखें, अगर मेरे साथ ही ऐसा हो, मुझे कोई प्रॉब्लम है और मुझे कोई प्रश्न पूछ रहा है बार बार से, तो मैं उसके लिए, तो मेरी क्या हालत होगी? आप हर चीज को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखिए, बताइए। आपका अपाहिजपन तो दुख देता है, देता होगा, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, बताओ भाई वो दुख क्यों नहीं बता पाएगा कृष्णा, आप बताओ। कृष्णा बेटा आर यू लिसनिंग मी? अहान आप बताओ बेटा। मैम उससे बहुत जल्दी जल्दी सवाल किए जा रहे हैं और उसे समय भी नहीं दिया जा रहा इसके लिए, और अपना दुख प्रकट करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। वेरी गुड, इससे बहुत जल्दी जल्दी प्रश्न किए जा रहे हैं, वो अपना दुख बेचारा बताने के लिए कुछ सोच भी नहीं पा रहा, उसको क्या पता कि ये सामने वाला किस लिए मेरे साथ में ऐसा कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता। अब देखिए आगे देखिए जरा, क्या पहले कुछ शब्दों के अर्थ देख लीजिए। समर्थ मीन्स सक्षम, शक्तिवान ताकतवर, दुर्बल कमजोर, बंद कमरे में स्टूडियो में, अपाहिज अपंग विकलांग, दुख कष्ट। यहां पर कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक है कविता का, और इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, मीडिया की संवेदनहीनता को प्रकट कर रहे हैं। कवि का मानना है कि जो मीडिया वाले हैं वो दूसरे के दुख को व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का, मेंटेलिटी का वर्णन करते हैं, और कवि क्या कहते हैं कि मीडिया के लोग खुद को शक्तिशाली मानते हैं, वो ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। हम किसके लिए प्रयोग किया गया, मीडिया के लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आपको आता है पेपर में। वो एक बंद कमरे में, कौन से बंद कमरे में, घर के बंद कमरे में, स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे, उससे प्रश्न पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं, और अपाहिज आप क्यों हैं, और अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, आपको क्या दुख होता है। ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा। उसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है ना जिस प्रश्न का कुछ मकसद हो, जिसकी वजह से वो चुप रहेगा। और इसी बीच में प्रश्नकर्ता, प्रश्न करने वाले कैमरे वाले को निर्देश देते हैं। क्या निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इसको अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ, फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है, अपने दुख को जल्दी जल्दी बताओ, और अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है अहान, सुनो, क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हर किसी के अपनी रिस्पेक्ट है, हर किसी का अपना सम्मान है, भले ही कोई कैसा भी व्यक्ति हो। अभी मैंने आपको रघुवीर सहाय के जीवन परिचय में बताया ना कि वो उन लोगों को भी महत्व देते हैं जिनको दुनिया ने हाशिए पर रखा हुआ है। यहाँ पर उन्होंने उसको महत्व दिया, उस अपाहिज को महत्व दिया है, और ये मीडिया वाले उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कैसा मजाक उड़ा रहे हैं कि वो उत्तर भी नहीं दे पा रहा। मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग किया गया है, मजाक किया गया है, व्यंग मीन्स मजाक।
काव्यांश में नाटकीयता है, ये एक प्रकार का काव्यांश में पद्यांश में नाटक है। भाषा सरल सहज है, कितनी सरल सहज भाषा है कि किसी ने लेसन नहीं भी पढ़ा हो तो भी वो इसके आंसर दे सकता है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, ऐसी शब्द शक्ति जो हमें क्या कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ सिखाती है, ऐसी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। हमें दूरदर्शन, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में आए हम शब्द से क्या तात्पर्य है, हम शब्द से क्या तात्पर्य है, हम शब्द शक्तिशाली है तथा हम किसी कमजोर का साक्षात्कार लेंगे, यहाँ पर हम समाज का ताकतवर मीडिया है। हम अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेंगे, अपाहिज से ये प्रश्न पूछेंगे, वेद के प्रश्न पूछेंगे कि तुम्हें अपाहिज होकर कैसा लगता है, और फिर प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में कितना सफल हो जाता है और क्यों, अपने उद्देश्य में कितना सफल होता है प्रश्न पूछने वाला अपाहिज से पूछे गए प्रश्न, बेतुके निरर्थक प्रश्न पूछता है, ये अपाहिज के सम्मान को झकझोरते हैं। वजूद, वजूद शब्द आ जाता है कई बार एग्जाम में, इसका अर्थ बताइए, सम्मान को झकझोरते हैं, सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, स्वाभिमान अपने ऊपर अभिमान, भले ही कोई गरीब हो वो अपने ऊपर भी उसको अभिमान होना भी चाहिए, स्वाभिमान, फलस्वरूप वो चुप हो जाता है। इस प्रकार प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता। उसकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है कि उसे अपंग व्यक्ति के दुख से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो तो अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता को बढ़ाना चाहता है, लोकप्रियता मतलब उसको पॉपुलर करना चाहता है, उसको फेमस करना चाहता है कि ये मेरा कार्यक्रम लोकप्रिय, लोकप्रिय संसार में प्रिय, लोगों में प्रिय हो, और जिससे कि उसको पैसा ज्यादा मिले। जितना उसका कार्यक्रम लोगों में प्रिय होगा, सक्सेस उतनी ही उसको ज्यादा मिलेगी। प्रश्नकर्ता जो है कैमरामैन से क्या कहता है, कैमरामैन से क्या कहता है, वो कैमरामैन से कहता है कि प्रश्नकर्ता कैमरामैन से कहता है कि अपंग की तस्वीर को बड़ी करके दिखाने के लिए कहता है, ताकि आम जनता की सहानुभूति उस व्यक्ति के साथ हो जाए और उसका कार्यक्रम लोकप्रिय हो सके, ठीक है, और उसका कार्यक्रम लोकप्रिय हो सके। नेक्स्ट देखिए, दूसरा पैराग्राफ, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यहाँ पर देखिए बेटा, ये वाला जो पद्यांश है, इसमें किसी तरीके से उसको रुलाने की कोशिश की जाती है। मीडिया की संवेदनहीनता का वर्णन किया गया है रघुवीर सराय ने, और उससे दुख तो उसका है, लेकिन मीडिया वाले खुद इशारे कर करके बताते हैं, जब वो खुद कुछ भी उत्तर नहीं देता कि आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, और उससे कहते हैं कि जल्दी उत्तर दीजिए, थोड़ी कोशिश करिए, नहीं तो आप ये मौका खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, और फिर उसको तो रुलाने का कह ही रहे हैं, लेकिन साथ में इंतजार करते हैं कि दर्शक भी रो पड़े। अब ये वाला जो पद्यांश है, पूरा विस्तार पूर्वक हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, आज मैं अभी जरा